हेलो व्यूअर्स, आई एम शिवंदा शिटलर। कैसे हैं आप सभी? कुछ पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि रैकेट को कैसे पकड़ते हैं, तो वो वीडियो आज आ चुकी है। वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप्स की ग्रिप्स होती है। पहले टाइप की ग्रिप होती है फोर हैंड ग्रिप, सेकेंड बैक हैंड ग्रिप, थर्ड बेविल ग्रिप, फोर्थ पैन हैंडल ग्रिप, उसको हम हैमर ग्रिप भी बोलते हैं। तो चलिए हम इनको पकड़ना सीखते हैं। चलिए सीखते हैं वो पकड़ते कैसे हैं। तो फर्स्ट हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोर हैंड ग्रिप। तो गाइस, फोर हैंड ग्रिप के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपको रैकेट दिख रहा है, आराम से यहाँ से फ्रेम है, ये अपना हाथ पूरा ऐसे फिंगर्स खोल लीजिए, ऐसे नीचे लेके जाएंगे, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हैंड चेक करके ऐसे पकड़ लेंगे, ये इतना पकड़ लिया। अब इस उंगली फिंगर को इधर रखेंगे, तो ये हो गया अपनी फोर हैंड ग्रिप। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फोर हैंड चलता है, देख सकते हो, ऐसे ऐसे पूरे यहाँ तक फोर हैंड चलेगा। अब हम सेकेंड नंबर की ग्रिप पे आते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे कि आप डिफेंस कर रहे हो तो इधर आएगी, इधर आएगी तो हम ऐसे पिक करेंगे, ऊपर आएगी तो ऐसे मारेंगे। तो मतलब सिंपल शॉट जो होते हैं उनके लिए, राइटी शॉट्स के लिए ये ग्रिप है, यही सब ऐसे पकड़ते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको सेकंड ग्रिप के बारे में बता दूं, जो कि बैक हैंड ग्रिप। बैक हैंड ग्रिप इधर के लिए होती है, मतलब जो इसके लेफ्ट साइड का है, यहाँ पे ऐसे पूरा बैक हैंड चलेगा, आपको बैक हैंड डिफेंस करना है, ऐसे मारना है। ऐसे तो नहीं, मतलब ऐसे मार सकते हैं पूरा यहाँ तक का। तो इसको पकड़ना सीखते हैं, ये बहुत ईजी है गाइस। अब आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसे कर लेंगे इसको भी, जब ऐसे होगा तो यहाँ पे थंब लगा लेंगे, और इसको थंब ग्रिप भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे थंब लगाना पड़ता है। तो अपनी हो गई बैक हैंड ग्रिप। ऐसे ऐसे पूरा डिफेंस कर लो, ऐसे मार लो, ऐसे मार लो। सो गाइस, अब हम थर्ड ग्रिप आ रहे हैं, जो कि बेविल ग्रिप। बेविल ग्रिप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा एडवांस शॉट्स के लिए होती है। जब आपको बैक हैंड मारना होगा और द बैक हैंड यहाँ पे नहीं, आपके सर के पीछे आ जाएगा, उधर को, इधर देखो, इधर। तो जब आप ऐसे पिक करेंगे तो उसमें आपकी ये वाली ग्रिप, बैक हैंड ग्रिप, थंब ग्रिप यूज नहीं होगी। इसमें आपको क्या करना है, बेविल ग्रिप मैं आपको सिखा देता हूँ। ये इसमें लगी हुई है टॉवल ग्रिप, आपको क्या करना है, ये जो साइड के एज होता है ना, इस पे ऐसे रख लेना है। यहाँ पे तो थंब हो गए, यहाँ पे इस साइड पे इसको बोल देते बेबी ग्रिप। इसको आप ऐसे मारेंगे तो आपको शॉट परफेक्ट जाएगा, चाहे आपको ऐसे ड्रॉप मारना है, स्मैश मारना है, टॉस मारना है, तो इसको बेबी ग्रिप बोलते हैं, ऐसे जाएगा पीछे को। सो गाइस, फोर्थ ग्रिप है अपनी पैन हैंडल ग्रिप, जिसको हम हैमर ग्रिप भी बोलते हैं। सो गाइस, ये सबसे ईजी है, बिगिनर इसी को पकड़ते हैं। ये देख सकते हैं फोर हैंड ऐसे होती है, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, इस साइड से ऐसे पकड़ लिया। ये होती है जो अपने ना तो बैक हैंड ना फोर हैंड एकदम सेंटर के आते हैं, जैसे कि ये सेंटर है तो इधर आएगा, तो आपको इससे आसानी होगी। बैक हैंड फोर हैंड से थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे जल्दी हो जाता है। तो उसको हैमर ग्रिप है एक तरह से, मतलब जैसी उधर आएगी तो हम यू कर देंगे, इधर आएगी तो अपनी रिस्ट नहीं चल पाती, तो हम इसको ऐसे ग्रिप पकड़ के यू कर देंगे। सो गाइस, मैंने आपको अपनी सारी ग्रिप बता चुका हूँ फोर्थ की। सो गाइस, अब मैं इस वीडियो को एंडिंग करने जा रहा हूँ। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जो अभी आपके बैडमिंटन फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, बाय बाय।